जहाँ पर भी मैं हूँ ना, यहाँ पे आने के लिए तो पता ही चला होगा कैसा होगा। रास्ता एकदम ढलान सा है, ये देखो ये रास्ता ऐसे ढलान है, और बाइक ना सेकंड गियर से ऊपर तो चला ही नहीं सकते। और ये सेम है, ये ऐसे जुग जुग करके यहीं पे ऐसे झिक 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 करके फिर ऊपर जाना पड़ेगा। और इसके अलावा जो बात है, जो नीचे का जो नज़ारा है ना, अल्टीमेट है यार, अल्टीमेट नज़ारा नीचे का। नीचे का नज़ारा देखूँगा तो तुम्हें भाई साहब देख के दिल ना खुश हो जाना। तो लाइक वीडियो को जरूर मत करना, ठीक है। ये देखो नीचे के व्यू देखो, पूरा विलेज बसा हुआ है यार, पूरा पूरा विलेज बसा हुआ, क्या नज़ारे लग रहे हैं। देखो नज़ारे देखो घर से, इसको देखे क्या नज़ारा, मज़ा आ रहा है। ये पर्ची कट गई अपनी नगरगढ़ फोर्ट का, और अपना भाई ये रहा, दूसरा साथी ये रहा। पैलेस के अंदर एंट्री हो गया, तो भाई का टिकट विकट भी ले ली। टिकट के बारे में तो कुछ बाद में बताऊंगा, हाँ अभी आराम से। बाकी यहाँ पे नज़ारा है, यहाँ पे देखो आपका फैला हुआ महल है यार, ये भी पहाड़ों के ऊपर आराम से नीचे माघवेंद पैलेस, ये आ गया एंट्री गेट। चलो मंदिर पता चलता है। हम लोग महल के अंदर, और महल के नज़ारे देखो, कलाकृतियों का जो यहाँ पे नमूना जो पूरा गायब हो चुका भी, फिर भी है अभी देखने लायक। यहाँ पे आने के बाद तो अजीब अजीब सब ख्याल आते हैं, मतलब पता नहीं कैसे कैसे चीज़ें होने के लिए जो आज तक कभी किसी ने मतलब हमने देखी नहीं, वो चीज़ें आज यहाँ देखने को मिलती है। विचित्र विचित्र से प्राणी है, भी है का है। यार इतना पतला है, एक बंदे के लिए यहाँ पे मुश्किल है, अगर कोई मोटा होगा ना ये फंस जाएगा। हम तो अच्छे भी पतले हैं, हम तो निकल गए बाकी का पता नहीं। हमारे यहाँ का जो किले का टूर था ख़त्म हो गया पूरा, पूरे किले के अंदर वही यार नज़ारे सही है। यहाँ से ऊपर से नीचे देखो ना तो एकदम नज़ारे एकदम ज़बरदस्त तरीके से आ रहे हैं। बस अगर रात के अगर ये सीन देखने को मिल जाए ना तो उस नज़ारे की तो बात ही कुछ अलग ही रहेगी, उसके साथ साथ जो मज़े आते हैं। और पूरे किले के अंदर वही थे, छोटे छोटे घर थे, दरवाजे थे रहने के लिए पहले की तरह से, जैसे सैनिक वैनिक या फिर जो भी राजा की फैमिली होगी। और ये जो नज़ारे देख सकते हो पीछे वाले नज़ारे, इस नज़ारे की बात ही अलग है। चलो फिर अब कहीं और चलते हैं, कुछ दूसरे जगह पे सर्च मारते हैं आसपास में क्या है। एक साइड से थोड़ा पानी जैसा कुछ था, मतलब होता है ना पानी स्टोर करते हैं पहले तरह के, उस तरफ से उधर चलते हैं। यहाँ पे बागुड़ी है, और यहाँ से भी नज़ारे एकदम देखो, जयपुर सिटी का तो मज़ा आ गया। बावड़ी एकदम खाली पड़ी है भैया, बावड़ी बावली हो गई, पर वैसे नज़ारे सही है बावली के हैं।
सीढ़ियाँ जो बनी हुई है सफ़ेद सफ़ेद कलर के, जो रोशनी आ रही है ना भाई, एकदम जहर लग रही है बावली। हम लोग वो होटल वापस आ गए, वो नारगढ़ फोर्ट जो था काफ़ी अच्छा व्यू था यार वहाँ से। मेरे साथ यार मेरा मन कर रहा था रात को देखने का अगर सीन के, जो रात को जब लाइटें जलती है नीचे तो ऊपर से देखने का नज़ारा क्या होता है, पर नहीं देख पाए क्योंकि हमें दिल्ली वापस जाना है। तो इसलिए हम होटल वापस आ गए, और एक भाई जो है दूसरे वाले भाई, इनकी तबीयत भी ख़राब हो गई भाई की, तो तबीयत से ख़राब थी उसकी हिस्सी से। तभी देखो थोड़ा प्लान बनता हो, यहाँ पे खाते वाते थोड़ा बहुत आराम करते, उसके बाद अगर थोड़ा प्लान बस बनता है हमारा तो जल महल का प्लान बनाता हूँ, पास में यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, उसके बाद फिर वापस। अगर जल महल का प्लान बनता है तो जल महल के होने के बाद फिर खल्टी मारते हैं फटाफट। कैसा जीते अब तू?